भाजपा प्रत्याशी धीरज ओझा जी हमारे साथ, आइए जानते हैं इनसे क्या है। विधायक जी, क्या यहाँ क्या माहौल चल रहा है? देखिए, आप तो खुद मीडिया के वाले हैं, आप सब माहौल जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं। आप तो सर्वे भी करते हैं, आपको रिपोर्ट भी मालूम रहती है। इतना बड़ा 2017 से ज़्यादा बड़ी लहर अब की 2022 में है। जितने यहाँ पर अलग अलग पहले फंड थे, आज हमारे साथ, और सबसे बड़े भाई हमारे पूर्व विधायक, इतना बड़ा समर्थन मिल गया है, जिनका रानीगढ़ विधानसभा में बहुत बड़ा योगदान है, और जितने यहाँ के प्रधानगढ़ अच्छे लोग, सामाजिक आदमी, सब धीरज ओझा और भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के साथ हैं। बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, और अब की हमारा नारा भी है 1 लाख के पार। तो निश्चित है, आप देखिएगा कि आप दूर से आए हैं, मीडिया के सम्मानित मित्र हमारे हैं, 1 लाख के पार जो कहा, जैसे मोदी जी योगी जी ने हमारे कहा है 300 को पार सीट, वो सही है, यहाँ भी 1 लाख के पार होगा। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। विधायक जी, मैं यहाँ से आया था, 3-4 जगह सर्वे किया मैंने, तो हर जगह यही कह रहे थे धीरज ओझा अब की बार, तो ऐसा क्या आपने किया पिछले साल कि हर बार करें धीरज ओझा अब की बार फिर? देखिए, मैंने विकास का काम किया है, मैं जनता में सुलभ भी था, जनता में मिलता जुलता भी था, और विकास के काम ऐतिहासिक मैंने किया है, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन प्लांट हो, 50 बेड का महिला अस्पताल बन रहा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहा हूँ, GGIC बनवा रहा हूँ, डिग्री कॉलेज बनवा रहा हूँ, और 2 थाने का निर्माण हो रहा है, सड़कों का जाल बिछा, 17 पुल बन रहे हैं, 2 टाउन एरिया बन गई पृथ्वीगंज सोवंसा, सबको सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, सबको मैं सुरक्षा दे रहा हूँ। ये बड़ा मुद्दा रहता था, कानून का राज यहाँ नहीं रहता था, लेकिन अब कानून व्यवस्था इतनी सही रही थी, इसके लिए वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और धीरज के साथ है, योगी जी के साथ है, कमल के साथ है। पट्टी विधानसभा से हारे हुए जीते, फिर वहाँ से हार गए थे, जीते थे, तो अब फिर यहाँ क्यों आए वो? पट्टी से नहीं, विश्वनाथगंज से। हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा, विश्वनाथगंज को में उनको भगाया गया, जो बहन अनुप्रिया पटेल के नहीं हुए, जो भारतीय जनता पार्टी अपना दल के नहीं हुए, वो वहाँ से भगाए गए, और उनको सोचा उनको चरने के लिए रानीगंज भेज दिया जाएगा, लेकिन रानीगंज में चर नहीं पाए। रानीगंज की जनता बहुत समझदार है कि बाहरी आदमी को हाथ रखेगी, वो अपने विधायक को चाहती है, अपने घर में अपने बेटे को चाहती है कि अपने विधानसभा मिले, वो कहाँ जाएगा? प्रयागराज, वो कहाँ जाएगा? जौनपुरिया, वो नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी, वो बुराई करते थे पहले समाजवादी पार्टी को, अब उसी में गए हैं, और उनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है उनके, तो उनको भेजा गया है यहाँ पर, और सोचे थे रानीगंज में चल लूँगा।